अग्निपथ के खिलाफ देशव्यापी अग्नितांडव के पीछे क्या कोई टूलकिट वाली साजिश रची गई है? क्या भारत में ट्रेनें जलाने तोड़फोड़ के पीछे विदेशी एजेंसियों की कोई साजिश है? क्या देश में आईएसआई और खालिस्तानी गुटों के स्लीपर सेल अग्निपथ योजना को पटरी से उतारने की साजिश में जुटे हुए हैं? मैं अंजनी कुमार सिंह आज राष्ट्रवाद में आपको अग्निपथ योजना के खिलाफ रची गई हर एक साजिश को डिकोड करूंगा। लुधियाना पुलिस को जांच में कुछ ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप मिले जिनका कनेक्शन सात समुंदर पार से जुड़ रहा है। पुलिस अब यह पता करने में लगी है कि इन नंबरों का कनेक्शन क्या पाकिस्तान और चीन की एजेंसियों से भी है जो विदेशों में भारत को बदनाम करना चाहते हैं। पिछले दो साल से मोदी सरकार के खिलाफ विरोध का एक सेट पैटर्न दिख रहा है। जब भी सरकार देश के लिए कोई नीतिगत फैसला करती है तो अचानक देश में उपद्रवी सड़कों पर उतर आते हैं। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करता है, सीएए से लेकर किसान आंदोलन तक, और अब अग्निपथ योजना के खिलाफ ठीक वैसा ही उपद्रव दिखाई दे रहा है। मैं अंजनी कुमार सिंह राहुल गांधी और ममता बनर्जी से पूछता हूं कि क्या सेना का आधुनिकीकरण करना गलत है? क्या सेना को मजबूत करना गलत है? सिर्फ मोदी सरकार के विरोध के नाम पर देश का विरोध करने की जो प्रवृत्ति विपक्ष में दिखाई पड़ रही है वो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि देश पहले और सियासत बाद में। रेलवे पटरी पर लेटी कांग्रेस दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने का कोई जतन नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस मोदी विरोध के नाम पर पूरे देश को सुलगाने में लगी है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के अड़ंगे को नजरअंदाज करते हुए नई नई परियोजनाओं के साथ हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में फहराने की कोशिश कर रहे हैं। एक शक्तिशाली और संप्रभुता संपन्न देश की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि उसकी सेना ताकतवर हो। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। लेकिन देश का टुकड़े गैंग सत्ता के लिए हर एक सुधारों के खिलाफ सड़क पर संग्राम शुरू कर देता है। सीएए, कृषि कानून से लेकर अग्निपथ योजना तक विपक्ष ने सिर आसमान पर उठा लिया, सड़कों पर अपनी स्लीपर सेल उतार दी ताकि विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम कर निवेश रोका जाए और फिर महंगाई बेरोजगारी पर हाय तौबा मचाकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए। इतने अच्छे दिन आ गए कि पेट्रोल स्टेशन पर 10-15 मिनट की लाइन है पेट्रोल डीजल के लिए। अच्छे दिन ही है ये। इतने अच्छे दिन है कि भारत में 8% बेरोजगारी है। इतने अच्छे दिन है कि कीमतें आसमानों को छू रही हैं। इतने अच्छे दिन है कि आपने आर्मी नेवी एयरफोर्स में भर्ती को 4 साल कर दिया और कहा कि 4 साल के बाद चौकीदार बन जा। ये अच्छे दिन है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि देश के टुकड़े गैंग के पीछे वो कौन लोग हैं जो देश की सेहत सुधारने वाली योजनाओं के विरोध में बवाल मचाना शुरू कर देते हैं। इनमें राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, तौकीर रजा, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव प्रमुख हैं। भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के चक्कर काट रहे राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस को ही मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतार दिया है। आपको याद होगा कि 54 साल के कांग्रेसी युवराज जब कुछ दिनों पहले लंदन के सैर सपाटे पर गए थे तो कैसे भारत की छवि पर केरोसिन छिड़क आए थे। The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. देखिए, इस देश में एक ऐसी शक्ति है जो जलाने में, बंद करने में, रास्ता रोकने में, व्यवधान डालने में विश्वास करती है। मोदी सरकार आने के बाद अरब देशों में भारत का दबदबा इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान की वहां एंट्री तक बंद हो गई, लेकिन सीएए,
के बाद शिवलिंग और अब अग्निपथ पर देश के भड़काऊ भाईजान और बरेली के बवाली गैंग के नेता मौलाना तौकीर रजा वहां भारत की छवि को बट्टा लगाने की हर रोज साजिश रच रहे हैं। बरेली का मौलाना तो एक कदम आगे बढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की शिकायत करने की धमकी दे रहा है। इनका दर्द सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास मॉडल की वजह से उनकी दुकान पर ताला लगा हुआ है। कोई बात नहीं की जाएगी, अब तुम सर तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं रखा जाएगा। अगर शिकायत की जाएगी तो इंशाल्लाह यूएनओ में शिकायत की जाएगी। बरेली के भड़काऊ मौलाना का कांग्रेस और राहुल गांधी से कनेक्शन जग जाहिर है। यूपी चुनाव में भी तौकीर रजा ने कांग्रेस के पक्ष में मुसलमानों से वोट करने की अपील की थी और 10 जून को जुमे के दिन जयपुर में आग उगली थी, जहां राहुल गांधी के कहने पर गहलोत के कारिंदों ने जहरीले मौलाना के लिए रेड कारपेट बिछाई थी। लेकिन कांग्रेस का कोई तंत्रम अब तक मोदी के अश्वमेध घोड़े को रोकने में काम नहीं आया है, लिहाजा हताश परेशान कांग्रेसी अब हिटलर हिटलर चिल्लाकर एक बार फिर पीएम मोदी की छवि अमेरिका और यूरोप में बिगाड़ना चाहते हैं। इस देश में कौन हिटलर रहा है और किसने इमरजेंसी लगाई है ये पूरे देश ने देखा। उनकी मंशा से, उनकी रजामंदी से और उन्हीं की स्क्रिप्ट पर ये सारे नेता नहीं बोल रहे, अन्यथा क्या कार्रवाई की है इन्होंने शेख हुसैन पर, क्या कार्रवाई इन्होंने की है अभी तक इरफान अंसारी पर, या क्या कार्रवाई करेंगे वो सुबोधकांत सहाय पर। अग्निपथ पर विदेशी साजिश, ट्रेन फूको गैंग का इंटरनेशनल कनेक्शन। अग्निपथ पर आग लगाऊ साजिश के पीछे विदेशी हाथ होने के सबूत मिले हैं। लुधियाना में बवाली गैंग की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उनके मोबाइल फोन की जांच की तो कुछ नंबर देखकर चौंक गई। स्टेशन पर तोड़फोड़ करने वाले सभी लड़के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे, उसी नंबर से लड़कों को उपद्रव के लिए उकसाया गया। हम सीसीटीवी में चेहरा ढककर तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों की पहचान में जुटे हैं। गिरफ्तार हुए कुछ लड़कों के व्हाट्सएप ऐप ग्रुप में विदेशी नंबर मिले हैं जो रेल जलाने और तोड़फोड़ की साजिश में शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने स्टेशन पर हमले के पीछे विदेशी कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है, जिसमें साजिश से जुड़ी कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। कई संदिग्ध नंबर पुलिस के रडार पर हैं। कृषि कानूनों के दौरान भी कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में बैठे खालिस्तानी गैंग ने पंजाब के किसानों को हिंसा के लिए उकसाया था। हिंसा का जो पैटर्न अब तक के सरकार विरोधी आंदोलनों में दिखा है, उससे ऐसा लगता है कि इसकी टूलकिट पाकिस्तान और चीन जैसे हिंदुस्तान के दुश्मन देशों की एजेंसियां बना रही हैं और उनके फंड पर पलने वाले स्लीपर सेल यहां आग लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।